4 देखिए, एन एरोप्लेन फ्लाइंग हॉरिजेंटली 1 किलोमीटर अबव द ग्राउंड इज ऑब्जर्व्ड एट एन एंगल एंड एलिवेशन ऑफ 60 डिग्री आफ्टर 10 सेकेंड इट्स एलिवेशन ऑब्जर्व एट 30 डिग्री फाइंड द स्पीड ऑफ द एरोप्लेन इन किलोमीटर पर आवर। सेम उसी तरह का क्वेश्चन है पिछले क्वेश्चन की तरह ही। एक एरोप्लेन का जो 1 किलोमीटर अबव है ग्राउंड से, उसका एंगल ऑफ एलिवेशन ऑब्जर्व किया जा रहा है ग्राउंड से कितना, 60 डिग्री। 1 किलोमीटर है तो 1000 मीटर हो जाएगा। अच्छा अब ये इधर की तरफ जब कुछ कितना 10 सेकेंड तक ट्रेवल करता है एरोप्लेन, तो मान लीजिए वो एरोप्लेन इस पॉइंट यहाँ पे पहुँच जाता है, तो इसका एंगल ऑफ एलिवेशन जो है जो कि 1 किलोमीटर हाइट पे ही उड़ रहा है वहाँ पे, यानी कि 1000 मीटर पे ही, वो कितना हो जा रहा, 30 डिग्री हो जा रहा। ठीक है, तो स्पीड निकाला इसका, चलिए देखते हैं। चलिए अब इसके बाद देखते हैं क्या कह रहा है आपके क्वेश्चन में। एन एरोप्लेन एरोप्लेन फ्लाइंग हॉरिजॉन्टली 1000 मीटर अबव द ग्राउंड ठीक है, अबव द ग्राउंड एट एन एलिवेशन ऑफ 60 डिग्री आफ्टर 10 सेकेंड इट्स एलिवेशन इज ऑब्जर्व्ड टू बी 30 डिग्री। नाउ लेट ए बी इक्वल टू में यहां पे सपोज कर लेते हैं x एंड बी डी इक्वल टू में सपोज कर लेते हैं y। ठीक है, बी डी इज द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय एरोप्लेन इन 10 सेकेंड। ठीक है, यहां पे हम लोग टेन थीटा का ही यूज करेंगे, परपेंडिकुलर बाय बेस होता है। चलिए ध्यान से देखिएगा, फिर चलते हैं इन ट्रायंगल ए बी सी, इस वाले ट्रायंगल में तो टेन 60 डिग्री हो जाएगा, परपेंडिकुलर हो जाएगा बी सी और बाई में बेस आपका ए बी, ये √3 1000 और बाई में एक्स, यानी कि एक्स इक्वल टू में आ जाएगा 1000 बाई में √3 मीटर। दूसरा ट्रायंगल ए डी सी में, ए डी ई में जाते हैं, टेन 30 डिग्री, परपेंडिकुलर हो जाएगा आपका डी ई और बेस हो जाएगा आपका ए डी, ये 1/√3, डी है 1000 मीटर, नीचे ये एक्स प्लस वाई है, यानी कि अब आ जाएगा यहाँ से एक्स प्लस वाई इक्वल टू में 1000√3 मीटर। अब यहाँ एक्स का वैल्यू रख देते हैं, एक्स का वैल्यू रख देते हैं 1000 और बाई में √3 मीटर प्लस वाई इक्वल टू में 1000√3 मीटर। चलिए उसको उधर ले जाते हैं, हो जाएगा यहाँ पे एक्स इक्वल टू में, एक्स इक्वल टू में आ जाएगा यहाँ पे कितना, 1000√3 माइनस का 1000/√3 मीटर। चलिए अब इसके बाद देखते हैं क्या होता है, वाई इक्वल टू मिला, सॉरी वाई इक्वल टू या एलसीएम लेते हैं √3, यहाँ पर हो जाएगा 3000 और माइनस का 1000 मीटर, वाई इक्वल टू 2000/√3 मीटर। चलिए अब इसके बाद देखिए, हम लोग इसका रेशलाइज कर देते हैं, 2000/√3, √3 से न्यूमरेटर में और डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई करो, यानी आ जाएगा यहाँ से
2000 रूट 3 बाई में 3 मीटर। चलिए अब इसके बाद देखिए, अगर हम लोग रूट 3 का वैल्यू रख दें 2000 इंटू में 1.732 और बाई में 3 क्या हो जाएगा, यहाँ पर हम लोग 2000 में मल्टीप्लाई कर देंगे कितना से, 1.732 से, तो आ जाएगा आपका 3464 बाई 3 मीटर। इतना ही रख देते हैं, हमें स्पीड निकालना है। स्पीड ऑफ एरोप्लेन, अच्छा तो वाई और बाई में ये डिस्टेंस कितने दिन में था, 10 सेकंड में, ये मीटर पर सेकंड होगा, हमें किलोमीटर पर आवर में निकालना है। तो 3464 बाई 3 इंटू 10 ये मीटर पर सेकंड में है, तो यहाँ 18 बाई 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो किलोमीटर पर आवर में हो जाएगा, ये 6 टाइम्स में कट जाएगा। ठीक है, अब इसके बाद देखिए क्या होता है, इसको काट देते हैं 3 और इसको काट देते हैं 5, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर, 3464 में मल्टीप्लाई कर दो आप 3 से, तो आ जाएगा 10,392 और बाई में 25 किलोमीटर पर आवर। तो चलिए डिवाइड कर देते हैं, तो आ जाएगा यहाँ पर कितना, यहाँ पे आ जाएगा 415.68 किलोमीटर पर आवर, ये आपका स्पीड हो जाएगा। नेक्स्ट।